नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के इस छोटे से कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम गणित नहीं बल्कि फलित पर ध्यान देंगे, यानी कि कुंडली कैसे देखी जाती है हम यह जानेंगे। कुंडली बनाने के लिए आप इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी ज्योतिष 9 ग्रहों, 12 राशियों, 27 नक्षत्रों और 12 भावों पर टिकी हुई है। सारे भविष्यफल का मूल आधार इनका आपस में संयोग होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रहों को। शुरू करने से पहले बता दूं कि ज्योतिष में ग्रह शब्द की परिभाषा आधुनिक परिभाषा से बिल्कुल ही भिन्न है और ग्रहों के प्रभाव पर आधारित है। ज्योतिष की अंग्रेजी पुस्तकों में ग्रह शब्द का प्लैनेट अनुवाद कर दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में और कोई ग्रह शब्द का सही मतलब बताने वाला शब्द ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि खगोल विज्ञान के प्लैनेट या ग्रह शब्द और ज्योतिष के ग्रह शब्द का मतलब अलग होता है। आधुनिक खगोल के विज्ञान की परिभाषा के अनुसार सूर्य तारा है, ग्रह नहीं। चंद्र उपग्रह है और राहु केतु गणितीय बिंदु हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्र, राहु, केतु चूंकि हम पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए ग्रह माने जाते हैं। तो शुरू करते हैं ग्रहों के बारे में जानना। ग्रह 9 प्रकार के हैं। यहाँ पर मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी में ग्रहों के नाम बता रहा हूँ। आने वाले समय में ये बहुत काम आएंगे, इसलिए कोशिश करें कि अंग्रेजी के नाम को भी याद रखें। पहला ग्रह है सूर्य यानी कि रवि, जिसे अंग्रेजी भाषा में सन कहते हैं। दूसरा है चंद्र, अंग्रेजी में इसे मून कहते हैं। तीसरा मंगल ग्रह है, जिसे संस्कृत में भौम, अंग्रेजी में मार्स और दक्षिण भारत में कूच के नाम से जानते हैं। चौथा ग्रह है बुध, अंग्रेजी में इसे मरकरी कहते हैं। पांचवा गुरु या बृहस्पति, अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। छठा ग्रह है शुक्र, अंग्रेजी में इसे वीनस कहते हैं। सातवां ग्रह है शनि, अंग्रेजी में इसे सैटर्न बोलते हैं। आठवां ग्रह है राहु, अंग्रेजी में इसे नॉर्थ नोड। और नौवां ग्रह है केतु, जिसे अंग्रेजी में साउथ नोड कहते हैं। अब हम जानेंगे शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में। जिन 9 ग्रहों के बारे में हमने बात की है, इनमें से कुछ ग्रहों को शुभ और कुछ ग्रहों को पापी ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, चंद्र एवं बुध को सदैव शुभ नहीं माना जाता है। पूर्ण चंद्र यानी कि पूर्णिमा के पास का चंद्र शुभ माना जाता है, जबकि अमावस्या के पास का चंद्र शुभ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार बुध अगर शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ होता है, और यदि पापी ग्रह के साथ हो तो पापी हो जाता है। शुभ और पाप ग्रहों का फलादेश में बहुत महत्व होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि सभी पापी ग्रह सदैव ही बुरा फल नहीं देते हैं, ना ही सभी शुभ ग्रह सदैव ही शुभ फल देते हैं। अच्छा या बुरा फल कई अन्य बातों जैसे ग्रह का स्वामित्व, ग्रह की राशि की स्थिति, दृष्टियों और दशा इत्यादि पर भी निर्भर करता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।